आपके सिलेबस या कोर्स में नहीं है तो इसको हटा दिया गया है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, ये चार लेसन है जिसका भी आप लोग अपनी खोलेंगे और खोलने के बाद हमें एक करके आपको बताते चले जाएंगे और आप उसको पेंसिल के द्वारा करते हुए चले जाएंगे। तो पहला लेसन आप खोलेंगे ज्योग्राफी पार्ट में, वह लेसन है आपका पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। तो पर्यावरण जो है क्या है, अब उसमें सही विकल्प में आप देखेंगे परिस्थिति, पहला क्वेश्चन दिया गया है परिस्थिति तंत्र किसका है यानी जलमंडल का, वायुमंडल का, पर्यावरण का या जीव। तो यहाँ पर होगा प्रकृति तंत्र एक जीवमंडल का हिस्सा है यानी जीव। मानव पर्यावरण में सम्मिलित है वन कारखाने नदियाँ मृदा मृदा पर्यावरण में सम्मिलित यानी कि जो मनुष्य के पर्यावरण में सम्मिलित है वो वन जो है नदियाँ। मानव पर्यावरण में सम्मिलित है वन कारखाने नदियाँ और मृदा यानी कि कारखाने सम्मिलित है यानी मानव पर्यावरण में क्या है वो कारखाने। इसका आंसर कारखाने। इनमें से कौन एक जैविक है, तो जल रेत पौधे और यानी जल भी जल नहीं है, रेत भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, पर्यावरण के अजैविक घटकों में सम्मिलित है हवा जल भूमि पशु मनुष्य पौधे। पहला आंसर इसका होगा हवा जल और भूमि। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। मानव गतिविधियों में नकारात्मक और सकारात्मक हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं मानव गतिविधि में नकारात्मक यानी सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है, तो यहाँ पर सकारात्मक दिया हुआ है नकारात्मक आपको करना है। दूसरा है जैविक घटकों का संदर्भ पृथ्वी पर जीवित वस्तुओं से है यानी
मोर जो है वो पर्वती और जंगल से बनी है, जो कि क्या है, मोर पहले बताया गया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब आते हैं मैची में। मैची में सेल जो है वो कैंद्रित सेल है, कोला, प्राकृतिक गैस या फिर ये सब खनिज है। मैग्मा क्या है, वो लावा है, और क्वार्टजाइट जो है वो संसार। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, सेल कैंद्रित सेल, कोला, प्राकृतिक गैस ये सब खनिज है, मैग्मा जो है वो लावा है, और क्वार्टजाइट जो है वो संसार है। अब नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, चौथा लेशन आते हैं। चौथे लेशन में आपके लेशन है वायुमंडल। तो आप वायुमंडल खोलेंगे और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला दिया है ओजोन परत में मौजूद है, ओजोन परत में मौजूद है क्या, समताप मंडल, यानी ओजोन परत में समताप मंडल मौजूद है। यह प्रकाश दूसरा है, यह गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का एक उदाहरण है, तो वर्षा है, बादल है, बर्फ है, इनमें से कोई, तो क्या है, बादल है, क्योंकि बादल की बूंदें जब बड़ी होती है तो संघनन का रूप लेकर के बारिश होती है। अब चौथा, वायु की इकाई आयतन में जल की वास्तविक मात्रा के रूप में जाना जाता है, संघनन, चरम आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता और ये सब, तो इसका आंसर है चरम आर्द्रता, यानी वायु की इकाई आयतन में जल की वास्तविक मात्रा के रूप में जाना जाता है चरम आर्द्रता के। अब नेक्स्ट आते हैं रिक्त स्थान, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति। मौसम की घटना क्षोभ मंडल में होती है। मौसम की घटना कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने स्थान पर बना हुआ है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने स्थान पर बना हुआ है। तीसरा, ओजोन परत गैस हानिकारक परमाणु किरणों से होने पर जाता है। चौथा, बैरोमीटर दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मिलान कीजिए, यानी कि मैचिंग में क्षोभ मंडल मौसम परिवर्तन, मध्यमंडल मध्यम स्तर, वायुमंडल सबसे बाहरी परत है, वायुमंडल जो है वह विद्युत औष्णिक आयन है, और समताप मंडल जो है वह विमान की उड़ान। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्षोभ मंडल मौसम परिवर्तन, मध्यमंडल मध्यम स्तर, वायुमंडल सबसे बाहरी परत, वायुमंडल विद्युत औष्णिक आयन, समतापमंडल विमान की उड़ान। इस तरह से ये आपका चौथा लेसन भी खत्म हुआ। आप पांचवें लेसन में आइए, मौसम और जलवायु। ठीक है, मौसम जलवायु में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खोलेंगे, उसमें देखेंगे अधिकतम ऊष्मा जो है, अधिकतम सौर ऊष्मा प्राप्त होती है किससे, उसके कटिबंध क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा में, या ध्रुवों पर, या इनमें से कोई भी, तो उसके कटिबंधी क्षेत्र। मौसम को प्रभावित करते हैं मृदा, वर्षा, दाब, ऊंचाई और तापमान। तो इसमें ऊंचाई और तापमान ये मौसम को प्रभावित करते हैं। तीसरा, पृथ्वी पर सबसे गर्म क्षेत्र है, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ऊपर के सभी। तो पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो जहाँ पर की गर्मी सबसे ज़्यादा। मौसम विज्ञान का अध्ययन विज्ञान है, वायुमंडल का, वर्षा का, बुखार का, इनमें से कोई नहीं, मौसम विज्ञान के अध्ययन जो है इस चारों में से तीनों में से कोई भी नहीं। अब आते हैं रिक्त स्थानों की, यानी पहला है सूर्य ऊष्मा हस्तांतरण में सहायता करते हैं। सूर्य ऊष्मा यानी प्रकाश फैलाने में या हस्तांतरण यानी हस्तांतरण बिखेरने में सहायता। दूसरा है वर्षा, मानसून का एक महत्वपूर्ण घटक,
वर्षा वर्षा जो है मानसून का एक महत्वपूर्ण घटक है। तीसरा शीत कटिबंध सबसे ठंडा क्षेत्र है, शीत कटिबंध सबसे ठंडा क्षेत्र। चौथा है जब हम भूमध्य रेखा से दूर स्थानांतरित होते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है। जब हम भूमध्य रेखा से दूर स्थानांतरित होते हैं तो तापमान घटता है। उसके बाद आते हैं हम ट्रू फॉल्स यानी सत्य और असत्य। पहला है अधिक ऊंचाई वाले स्थान गर्म होते हैं, यह असत्य है क्योंकि जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्योंकि तापमान घटता है तो यह असत्य है। शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य स्थित है तो यह सत्य है। तीसरा गर्म हवाएं उस क्षेत्र का तापमान नहीं बढ़ाती हैं जहाँ वे बहती, यानी यह सत्य है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय पर्वत अधिक गर्म होते हैं, यह असत्य है। अब मैचिंग में उत्तर उत्तरी ढलान छायादार होते हैं, शीत कटिबंध बहुत ठंडा होता है, भूमध्य रेखा सूरज की किरणों से सीधी पड़ती है, समुद्री जलवायु समरूप और मौसम जो है वह गतिशील होता है। फिर से एक बार करते हैं, उत्तरी ढलान छायादार है, शीत कटिबंध बहुत ठंडा है, भूमध्य रेखा जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं सीधी पड़ती हैं, यानी भूमध्य रेखा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, समुद्री जलवायु समरूप होते हैं, मौसम जो है वह गतिशील होता है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने पहला दूसरा चौथा पांचवा ये आपका हमने पूरा कर दिया। अब इसमें आपके यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच, ये चारों चार लेसन में हमने इसमें करा दिए। अब आगे के वीडियो में इसी तरह से हिस्ट्री पार्ट का भी सिविक्स पार्ट का भी हम कराएंगे। और जो वीडियो हमने क्योंकि सारे